अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम अपना सेकंड व्लॉग शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम आपको अपने इलाके में मौजूद मुगलिया दौर का बना हुआ किला का विज़िट कराएंगे। तो आज हमारे साथ दनियाल भाई मौजूद हैं। कश्मीर है जन्नत नशा ये मुल्क है, ये हर जगह तहरीर है। वादिये कश्मीर है। अब हम किले के मेन गेट पर पहुंचे हैं, तो हमारा एक फ्रेंड अंदर गया हुआ, वो पहले इजाज़त लेगा उनसे। तो अब हम बेल प्रेस करते हैं, तो वो फिर आएगा, दरवाज़ा खोलेगा, तो नेक्स्ट आपको व्यू कराते हैं। दानशाह जी, वो व्यूवर्स, ये थ्रोची का जो हाईएस्ट वाली बॉल का ग्राउंड है वो किले के अंदर मौजूद है, उसका हम आपको व्यू करा रहे हैं। व्यूअर्स, जैसे आप थ्रोची किले के अंदर इंटर होते हैं तो फर्स्ट ग्राउंड आता है, ग्राउंड के बाद जो सेकंड पॉइंट है व्यू वाला, ये मस्जिद बनी हुई है टूरिस्ट की सहूलत के लिए। इधर जो आर्मी वाले, उन्होंने अपनी मदद आप के तहत एक मस्जिद बनाई है ताकि जो टूरिस्ट आते हैं वो नमाज के टाइम इधर नमाज पढ़ सकें। ये त्रोची किले की जनूब साइड पे आप देख सकते हैं कि मुली नाला, और इसी के साथ ये समाला गांव का व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा है। इसी के साथ आप ये जो है आगे गांव चमकुर खवास, बहुत ही प्यारा व्यू है इसका। किले के बिल्कुल सेंटर में ये तालाब बनाए गए हैं ताकि इनमें बारिशों का पानी ज़खीरा करके इस्तेमाल में लाया जा सके। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, ये यहाँ पे कमरे भी बने हुए हैं इस बिल्कुल कदीम दौर के, ये भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। तो इसके बाद और भी हैं कमरे, उनका विज़िट भी आपको कराते हैं। तो चलते हैं और आपको उसका विजिट कराते हैं। इसके बाद ये कश्मीर है, ये देखें, ये 500 साल पुराना जो किला है ये अभी भी अपनी असल हालत में मौजूद है, लेकिन इसके कुछ हिस्से जो हैं वो 2005 के जलजले की वजह से मुतासर हो गए थे। तो इसके बाद अब नेक्स्ट हम चलते हैं। सो व्यूअर्स, अब हम किले के लास्ट पॉइंट पर पहुंचे हैं, तो इसके बाद हम आपको जो है ना किले के तरफ का व्यू कराते हैं। जन्नत निशा ये मुल्क है, ये हर जगह तहरीर है। वादिये कश्मीर है।
सो व्यूवर्स, हमारा आज का व्लॉग यहाँ ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।